हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज मैं आपको जिसके बारे में बताने वाली हूँ वो एक फेमस चीनी यात्री है जिनका नाम ह्वेन सांग है। इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम भी कहा जाता है। ह्वेन सांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिनका जन्म चीन के लियोनयंग स्थान पर सन 602 ईस्वी में हुआ था। बचपन में इनका नाम चेन हुई था। बचपन से ही ह्वेन सांग का बौद्ध धर्म की तरफ काफ़ी रुझान था। इन्होंने लगभग 13 साल की उम्र में ही दीक्षा प्राप्त कर ली थी। ह्वेन सांग के पिता एक कन्फ्यूशनिस्ट थे। इसके बाद भी ये बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे। इनके पिता की जब 611 में मृत्यु हो गई तब अपने बड़े भाई चेंसू के साथ जिंगतू मठ में रहने लगे। वहाँ पर थेरवाद और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। ह्वेन सांग चारों भाई बहनों में सबसे छोटे थे। ह्वेन सांग अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे और मात्र 13 वर्ष में ही ये बौद्ध भिक्षु बन गए थे और छोटी सी उम्र में ही ये मठाधीश भी बन गए थे। 622 ईस्वी के लगभग जब ये 20 वर्ष के थे तब इन्हें बौद्ध पाठ्यों में मतभेद और भ्रम हुआ, क्योंकि बौद्ध की पुस्तकें पढ़ते वक्त जब इन्हें संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया जाता था तब वो सही तरह से नहीं हो पाए थे। उनके अर्थों में कुछ बदलाव हो जाता था जिस वजह से ह्वेन सांग काफ़ी परेशान हो गए थे और इस कारण इन्होंने भारत जाकर मूल पाठ का अध्ययन करने का निश्चय किया। तब भारत जाने से पहले इन्होंने विदेशी भाषाओं की शिक्षा ली और वह 626 में संस्कृत में पारंगत हो गए और इसी काल में इन्हें योग शिक्षा का भी शौक हुआ था। और 629 में ह्वेन सांग को भारत जाकर शिक्षा लेने का एक स्वप्न आया। इस सपने ने उनकी इच्छा को और प्रबल किया। फिर उसी समय वो भारत के लिए निकल गए। लेकिन यहाँ से ह्वेन सांग का सफ़र आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उसी समय उनके प्रांत में यानी तंग वंश और तुर्कों का युद्ध चल रहा था। इस कारण राजा ने विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध लगा रखा था कि मतलब कोई भी व्यक्ति बाहर आ जा नहीं सकता। तब ह्वेन सांग ने बौद्ध धर्म के रक्षकों से प्रार्थना की कि मुझे यहाँ से जाने दे। तब उन लोगों ने ह्वेन सांग को जाने दिया। ह्वेन सांग किंघाई प्रांत से होते हुए उस राज को छोड़कर आगे चले गए। फिर वहाँ से वे गोबी मरुस्थल पहुँचे जहाँ पर काफ़ी तेज आंधी तूफान चल रहा था और वो अपना रास्ता भी भटक गए थे। जैसे तैसे इन्होंने गोबी मरुस्थल पार किया। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से ये एक माना जाता है जहाँ तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। और गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। आजकल गोबी मरुस्थल एक रेगिस्तान है, लेकिन प्राचीन काल में ये ऐसा नहीं था। इस क्षेत्र के बीच बीच में समृद्धशाली भारतीय बस्तियां बसी हुई थी। गोबी मरुस्थल पार करने के बाद ह्वेन सांग कुमुल तियानसान होकर तुरफान पहुँचे। 630 ईस्वी में ये तुरफान के राजा के पास पहुँचे थे जहाँ के बौद्ध राजा ने इन्हें आगे का रास्ता बताया। फिर ये वहाँ से बौद्ध धर्म थेरवाड़ा मठ गए। फिर वहाँ से किर्गिस्तान के तियानसान दर्रे को पार करते हुए उज्बेकिस्तान में महान खान से मिले। वो यहाँ का शासक था उस समय। फिर वे ताशकंद पहुँचे। ताशकंद में समरकंद पहुँचे जो फारस के बादशाह की अधीन था। वहाँ पर ह्वेन सांग बौद्ध की कुछ प्राचीन इमारतों में घूमे और वहाँ के राजा को अपनी शिक्षाओं से प्रभावित किया। मतलब वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी प्रचार किया, उन लोगों को बताया समझाया, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हुए। फिर ह्वेन सांग अपनी यात्रा में आगे बढ़े और पामीर पर्वतमाला को पार किया और अमूदरिया और तरमेज पहुँचे। वहाँ पर ह्वेन सांग को 1000 से अधिक बौद्ध भिक्षु मिले। ह्वेन सांग अपने सफ़र में उन्होंने राजकुमार की अंत्येष्टि भी देखी जहाँ पर उनकी मुलाकात एक धर्म सिंह भिक्षु से हुई थी। उसके बताने पर ही ह्वेन सांग अनेकों बौद्ध स्थलों पर घूमे
जिनमें खास था नव विहार, जिसे पश्चिमतर बौद्ध मठ कहा गया है। वहाँ पर वे 3,000 भिक्षुओं से मिले थे। इन्होंने वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तक जिसका नाम महाविभास था उसे देखा, उसे पढ़ा और उसका चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। फिर ये आगे गांधार पहुँचे, जहाँ पर इन्हें हिंदू और जैन धर्म के लोग मिले। फिर ये वहाँ से जलालाबाद और लघमन आए। यहाँ आने के बाद ये आसानी से 630 ईस्वी के अंत तक भारत पहुँच गए। लेकिन जब ह्वेनसांग गांधार में थे तो उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। मतलब बौद्ध धर्म का खासा प्रचार उचार नहीं होता था, वहाँ पे सभाएं नहीं होती थी। तो वहाँ पर ह्वेनसांग ने कई स्तूपों की यात्राएं की जो उस समय खंडहरों में बदल गए थे, जिनमें से एक प्रमुख कनिष्क स्तूप था। फिर सफर में आगे बढ़ते हुए वह सिंधु नदी पार किए और तक्षशिला पहुँचे। यहाँ पर एक महायान बौद्ध राज था जो कश्मीर के अधीन था। यहाँ पर इन्हें 3 गुरु मिले, विनीत प्रभा, चंद्रवर्मन और जयगुप्त। ये काफ़ी विख्यात बौद्धिष्ठ थे उस समय के। ह्वेनसांग ने यहाँ पर इन लोगों के साथ 2 वर्षों तक शिक्षा ली, बौद्ध धर्म के बारे में जाना इनसे। उस समय कश्मीर भी मगध की तरह ही बौद्ध धर्म का केंद्र था। फिर ये 634 में पूर्व में जालंधर पहुँचे। फिर आगे ये कुल्लू घाटी, मेरठ, मथुरा, यमुना नदी और गंगा नदी पार करके दक्षिण में संकश्य यानी कपित्थ पहुँचे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध स्वर्ग से अवतरित हुए थे। वहाँ से उत्तरी भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पहुँचे थे। कन्नौज में ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म के 100 मठ, 10,000 भिक्षु देखे जो महायान और हीनयान दोनों के ही थे। वहाँ सम्राट के इस तरह बौद्ध धर्म के संरक्षण और पालन देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। वहाँ पर इन्होंने कई बौद्ध पुस्तकें भी पढ़ी और उनका चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। ह्वेनसांग ने अपने द्वारा लिखी हुई पुस्तक में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का काफ़ी सुंदरता से वर्णन किया है, उनके बारे में काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं और कुंभ मेले के बारे में भी बताया है कि कुंभ मेले में किस तरह से लोग आते थे, अपनी श्रद्धा से पूजा करते थे और हर्षवर्धन जो वहाँ के राजा थे वो लोगों को किस तरीके से दान देते थे, भोजन का बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाते थे। ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। ह्वेनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय बिताया, वहाँ पर बौद्ध शिक्षाएँ ली थी, काफ़ी जानकारियाँ ली थी। इस तरह से हर्षवर्धन और ह्वेनसांग काफ़ी अच्छे मित्र भी बन गए थे। फिर वहाँ से ह्वेनसांग अयोध्या और साकेत का रुख किया। यहाँ पर इन्होंने योगिक शिक्षा कैसे सिखाई जाती है इसके बारे में देखा और कुछ जानकारियाँ भी ली। फिर यहाँ से आगे ये कौसाम्बी पहुँचे, जहाँ पर इन्हें बुद्ध की छवि के प्रति मिले। फिर वह श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी जो बुद्ध का जन्म स्थान है वहाँ गए। फिर वहाँ से लुम्बिनी गए, वहीं पर ह्वेनसांग ने अशोक का स्तंभ भी देखा। फिर 637 ईस्वी में वह लुम्बिनी से कुशीनगर रवाना हुए, जहाँ पर बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। फिर वह सारनाथ गए, जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। फिर वहाँ से वे वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र और बोधगया गए, जहाँ इन्हें 2 भिक्षु मिले जिनके साथ ये नालंदा विश्वविद्यालय गए, जहाँ इन्होंने 2 वर्षों तक तर्कशास्त्र, व्याकरण, संस्कृत, बौद्ध की पुस्तकें, योगशास्त्र और भी कई चीज़ों का अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ह्वेनसांग यहाँ के चांसलर शीलभद्र के काफ़ी अच्छे विद्यार्थी थे। यहाँ पर शीलभद्र ने ह्वेनसांग का नाम मोक्ष देव रखा था और ह्वेनसांग को लोग प्रिंस ऑफ पिलग्रिम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से फिर वे आंध्र प्रदेश और नागार्जुन कोंडा गए, जहाँ पे वे बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विहारों में घूमे। आगे वे पल्लव वंश के राज्य में गए जो बौद्ध धर्म का शक्ति केंद्र माना जाता था। ह्वेनसांग को भारत लगभग 12 साल हो गए थे। अब ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपने देश में करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें चीन वापस लौटना था। वापस लौटने के लिए ह्वेनसांग ने
बहुत सारी बौद्ध धर्म की पुस्तकें ली जिनका उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया था। और भी कई तरह की धार्मिक पुस्तकें के वे अपने साथ ले जाना चाहते थे। फिर वे अपने साथ सभी पुस्तकें ले जाना चाहते थे। वो सब अच्छे से सिंधु नदी पार करके वे ले गए। लेकिन सिंधु नदी पार करते समय नदी में तेज बहाव आया जिसकी वजह से काफ़ी पुस्तकें बह गईं, लेकिन वे अपने साथ कई पुस्तकें ले जाने में सफल भी रहे। वापस अपने देश जाने पर उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया। वहाँ पर ह्वेन सांग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए और चीन के सम्राट के सहयोग से एक बड़ा संस्थान खोला जहाँ छात्रों को शिक्षा दी जाने लगी बौद्ध धर्म की। वहाँ पर ह्वेन सांग ने 1330 लेखों के अनुवाद चीनी भाषा में किए। ह्वेन सांग ने भारतीय बौद्ध ग्रंथों का सटीक अनुवाद किया था अपनी चीनी भाषा में, और फिर जो पुस्तकें उनसे नदी में बह गई थी उनको पुनः प्राप्त कर लिया। ह्वेन सांग ने फिर अपनी पूरी यात्रा का विवरण करने के लिए सी यू की यानी पश्चिमी की यात्रा नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने भारत के बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया और सब कुछ बताया कि उन्हें किस किस तरह की परेशानियाँ हुई, किन किन लोगों से वो मिले। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के बारे में भी इन्होंने बताया, कुंभ मेले के बारे में भी इन्होंने इसमें लिखा। और फिर 644 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और अगर इनके अवशेषों की बात करें तो एक मानव खोपड़ी मिली थी जिसे ह्वेन सांग का बताया जाता है। ये पहले तियानजिन के टेंपल ऑफ ग्रेट कैंपस में 1956 तक थी। फिर दलाई लामा के द्वारा इसे वापस भारत को भेंट कर दिया गया और यह वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। तो ये थी ह्वेन सांग के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।